Rida na नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हमारा सौभाग्य है कि यूं तो हम सिर्फ ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं मेहमान हमारे वो होते हैं जो कला के क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में आप गाते हों या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हों नृत्य करते हों लेकिन आज हमारे जो कलाकार हैं अमरेंद्र धनेश्वर जी उनकी खासियत यह है कि वो शास्त्रीय गायकी तो उनकी उनकी शख्सियत का एक पहलू है ही है एक समीक्षक के तौर पर एक लेखक के तौर पर उनकी बहुत बड़ी एक पहचान है और बहुत बड़ा योगदान भी है तो बातचीत शुरू करें उससे पहले बहुत ही विनम्रता से मैं आपको प्रणाम करते हुए स्वागत कर रहा हूं तो अमरेंद्र जी जैसे आपके परिचय में मैंने कहा कि दो बहुत बड़ी बड़ी पहचानें आपकी हो सकती हैं मतलब एक तो शास्त्रीय गायकी में जो आपकी साधना है लंबी उस पर भी बातचीत हो सकती है और उसके अलावा जो लेखन में आपका योगदान है उस पर भी बात हो सकती है लेकिन इन दोनों बातचीत से पहले उस शुरुआत के बिंदु पर जाना जरूरी है जहां से ये यात्रा आरंभ हुई थी और पारिवारिक पृष्ठभूमि को बताते हुए अपनी यात्रा के आरंभ के दिनों को याद कीजिए जरूर 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 आ, मुझे ये कहने में बहुत एक आ, प्राइड लगता है कि मैं किसी संगीतकार के घराने में मेरी पैदाइश नहीं हुई है और मतलब पैदाइशी संगीतकार जो होते हैं उनसे मैं बहुत अलग हूं आ, मेरे पेरेंट्स मेरे पिताजी मेरी माताजी ये सब संगीत प्रेमी थे और उन्हीं से मुझे ये संगीत प्रेम आ, एक धरोहर के रूप में मिला है और आ, मेरी शुरुआत संगीत सुनने वाला बहुत बचपन से उस उस बिंदु से मेरी शुरुआत हुई है मैंने सुना है बहुत और इतना सुना है कि पहले लोग कहते थे बारह साल सुनना बारह साल सीखना फिर उसके बाद गाने की कोशिश करना तो मैंने बारह साल नहीं मैंने चौबीस साल सुना है उसके बाद बारह साल सीखा है तो ये थोड़ा सा मेरा अलग तरह का मेरा ये इन इनसाइड म्यूजिक ऐसा हुआ है uh, मतलब परवरिश अलग तरह से हुई है तो एज अ चाइल्ड मैंने बहुत सुना और uh, ये वातावरण जो हमारे बम्बई का जो था उस जमाने का फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टीज नाइनटीन सिक्सटीज उसमें संगीत का बहुत ही मतलब लोग श्रवण करते थे सुनते थे प्रोग्राम में जाते थे लाइव प्रोग्राम होते थे अभी आपको यकीन नहीं होगा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था मेरे घर से बहुत नजदीक उसका नाम बाल मोहन विद्या मंदिर उस पाठशाला का एक छोटा सा हॉल था उस हॉल में कई गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम होते थे अभी अल्लाह रखा खास की जो उनका गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम होता था वही होता था तब आ, पहली बार उन्होंने शिवकुमार शर्मा जी को इंट्रोड्यूस किया था आ, और उनके साथ काशीनाथ मिश्रा करके तबला वादक बजाते थे तो पहली बार संतूर सुना जब ये तो 1960 की बात होगी 60 61 की तो आ, ऐसे बहुत गायक कलाकार विनायक राव पटवर्धन उनका तो धीरे-धीरे अस्त हो रहा था लेकिन अब हमारे व्वालियर घराने के एक गायक थे पंडित शरद साठे अभी उनका दो तीन साल पहले उनका तो हुआ तो वो पंडित डीवी बी करके के शागिर थे और 25 साल तक फ्रॉम 1955 टू तो 1980 उन्होंने हर साल दशहरे के दिन सुबह वो पलुष्कर जी की पुण्यतिथि मनाते थे संगीत का कार्यक्रम उसका आयोजन करके तो उसमें कई कई बुजुर्ग संगीतकार आते थे गाने के लिए बजाने के लिए विनायक राव पटवर्धन जी ताई कुलकर्णी जी फिर भास्कर बुआ जोशी जो खुद रामकृष्ण बुआ वजह के शिष्य थे तो ऐसे लोगों को फिर शरद चंद्र आरोलकर जी तो ऐसे लोगों को बहुत करीब से सुनने का जो मुझे मौका मिला तो उससे एक संस्कार संगीत का होते गया और जो श्रवण भक्ति से जो कान में, कान में की तैयारी होती है और रागों का परिचय होता है उससे संगीत के छात्र को बहुत ही फायदा होता है इन फ्यूचर तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मैंने 24 साल 25 साल गुजारे सुनते सुनने के लिए उसका मुझे फायदा हुआ है <laughs> तो ये जो आपने एक तरीके से हम लोग प्रचलित भाषा में और आसान शब्दों में कहें कि जो सुनने का आपने डबल एम कर लिया मतलब करना तो एम था हाँ। बारह साल आपने हाँ। डबल एम कर लिया चौबीस साल उस प्रक्रिया के दौरान सिर्फ सुन रहे थे या सुनते थे और फिर कोशिश करते थे कि हाँ कुछ कुछ गाएं भले अकेले में गाए लेकिन उस तरह हाँ। से उसके करीब कुछ जाकर गाएं हाँ हाँ वो तो करते थे लेकिन वो जिसको हम गंभीरता से सीखना कहते हैं वो नहीं था जैसे लोग अपने दोस्तों का की जमघट हो और उसमें लोग एक इकट्ठा हुए और कोई बोले चलो तुम गाओ तो तब मैं गाता था लेकिन वो पार्टी सिंगिंग था पार्टी सिंगिंग अलग होता है और महफिल के लिए तैयारी करके सीख के गाना वो अलग होता है तो पार्टी सिंगिंग तो बहुत किया और ऐसी पार्टी सिंगिंग किया कि जिसमें डॉक्टर अशोक जैसे विद्वान वो खुद वहां उनका वो खुद उनका और उनकी पत्नी दोनों एक पार्टी में थे और उनके सामने उन्होंने कुछ बोला था इसलिए मैंने गाना शुरू किया और तीन चार घंटा कुछ ना कुछ गाता रहा बाद में मुझे शर्म आई अरे इतने बड़े आदमी को मैंने अपना गाना सुनाया लेकिन मतलब वो बहुत इनफॉर्मल सिंगिंग था जिसको इनफॉर्मल कहते हैं तो इनफॉर्मल सिंगिंग से मतलब एक भीड़ तो कम हो जाती है कि बस अपना मुंह खोलना लोगों के सामने इसलिए जो डर लगता है किसी भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को शुरू के जमाने में तो वो डर कम होते होते कम होते गया अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है मेरा वो बहुत ही सामान्य प्रश्न भी है और थोड़ा सा जटिल भी है कि परिवार में सुनने वाले लोग थे संगीत प्रेमी लोग थे आपके पेरेंट्स जो थे निश्चित तौर पर आ, सीखने का कुछ फैसला या मुझे अभी आपने जैसे कहा कि विधिवत सीखना ये ये फैसला कैसे हुआ क्या कुछ सोच के आपने तय किया कैसे परिवार वालों ने आपको सपोर्ट किया ये सब भी बताइए बिल्कुल बताऊंगा मेरी शिक्षा श्रीमती नीला भागवत से हुई है श्रीमती नीला भागवत ग्वालियर घराने की एक प्रसिद्ध गायिका है और मैंने उनसे थोड़ी शुरुआत की थी आ, 1978 में लेकिन उन्होंने पहले ही जो सिखा सिखाना शुरू किया जो पहली बंदिश थी ग्वालियर घराने की अवगुण न कीजिए तो उस बंदिश का जो स्वरूप था मेरे गले से कुछ निकला ही नहीं बस आपको उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा सुनाता हूं जस्ट मेरी जो मुझे कठिन लगा वो अव गु न की जी की जी गुणी सन का गुन सार गुणी गुनी जाने गुन की सार अब गुण न कि गुनी सन अभी इसमें का ये जो एक हरकत है और फिर गुनी, गुनी, जाने की अब गुन ये जो था वो गले से निकल ही नहीं रहा था दो महीने मैंने कोशिश की दो महीनों तक मैंने सोचा कि ये अपने बस की बात नहीं है गाना सुनना अच्छा है एंजॉय करना अच्छा है सीखना वगैरह तो बहुत दूर की बात है फिर दो तीन साल गुजर गए कुछ ऐसी घटनाएं घटी और ऐसा मतलब हुआ कि हम दोनों ने शादी करने का तय किया नीला जी ने और मैंने शादी के बाद नीला जी ने मुझे कहा कि तुम इतना सुन रहे हो इतना सुनते हो सीखते क्यों नहीं सीरियसली विधिवत मैं सिखाऊंगी अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो फिर उसके बाद वो मैंने बहुत गंभीरता से ये उनका जो स्टेटमेंट था क्यों नहीं सीखते इतना सुना हुआ तो फिर वो मैंने गंभीरता से लिया और सीखना शुरू किया दूसरा एक कारण था उसमें थोड़ा मैं उसको ईगो जिसको कहते हैं अहंकार अहंकार मतलब मुझे मुझमें अहंकार नहीं था लेकिन मैं जब हमेशा देखता था किशोरी जी के प्रोग्राम होते थे और उनके शोहर हस्बैंड उस प्रोग्राम में उपस्थित रहते थे और किसी दूर कोने में ऐसे बेचारे बैठते थे न कोई उनके पास उनके ओर देखता था कोई ना उनके साथ बात करता था और किशोरी तो पूरी लाइमलाइट में चमक रही थी हमेशा तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों क्यों उन्होंने भी कुछ किया है उनके ने उनको भी पूरा रिस्पेक्ट होना उनके उनको देना चाहिए उनके साथ बातचीत हो उनके साथ आ, मतलब अच्छी तरह से लोग बर्ताव करें ऐसा नहीं कि बुरा बर्ताव करते थे लेकिन ही यूज टू बी इग्नोर तो मुझे लगा कि आ, मुझे भी ऐसा नहीं अनुभव होना चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं ट्राई मैं तो गाना इतना सुना हूं मैंने तो अभी शुरू करे सीखने का तो इसलिए मैंने सीखना शुरू किया ये दो कारण थे और फिर रियाज सीखना, सीखना वगैरह बहुत फिर उसमें आई नेवर लुक बैक अच्छा बहुत से लोग ये कहते हैं बहुत सारे गुरु ये कहते हैं और ऐसा मैंने देखा भी है कि शुरुआत में एक राग पकड़ा और छह महीने एक साल डेढ़ साल तक एक राग की तालीम चलती रही और एक राग में जब आप यह कहना कि पारंगत हो गए वो तो अलग चीज है लेकिन हाँ एक राग जब आपने साध लिया यमन की ही बात अगर करें यमन जब आपने साध लिया तब गुरु जी लोग क्या करते थे कि फिर रागों का जो संसार था वो थोड़ा विस्तार से खोलते थे कि चलो अब ये राग भी सीख लो ये भी सीख लो क्योंकि तुमको अब बेसिक एक राग समझ में आ गया यह सिखाने का एक तरीका शास्त्रीय संगीत का मैंने बहुत प्रचलित तरीका सुना है आपके केस में प्रश्न मेरा यह है आपने जब सीखना शुरू किया विधिवत जैसा भी आपने बताया उसके बाद वो जो आपने 24 साल सुना था वो बहुत काम आया होगा मतलब निसंदेह आपको फिर वो चीजें जो उस वक्त एक, एक संगीत रसिक के तौर पर आप सुन रहे थे जब आपने सीखना शुरू किया होगा तो निश्चित तौर पर आसानी होनी चाहिए कुछ आसानी हुई आपको वो सीखने में या आपको लगता है कि नहीं नहीं वो जो सुना था वो एक अलग चीज है सीखना एक अलग चीज है बिल्कुल आसानी तो होती है जब रागों का परिचय कानों के माध्यम के द्वारा हो जाता है तब आसानी तो होती है लेकिन उसमें जो आ, ऐसे कठिन उसमें बहुत जगह होती है वो उसको आत्मसात करने के लिए तो बहुत आ, अध्ययन करना पड़ता है और वो तो अध्ययन मैंने आ, किया और क्या है कि अभी हमारे ग्वालियर घराने में हमारे मतलब ये जो परंपरा है जो कृष्ण और शंकर पंडित से शुरू है चंद्रचंद्र चंद्र कर, तो अभी उसमें अगर राग केदारा लिया जाए तो केदारे में उसमें कोमल निषाद का प्रयोग नहीं होता आमतौर पर लोग कोमल निषाद का प्रयोग करके केदारा गाते हैं तो जब सीखना शुरू किया तब वो जो सुना था वो गलती से मेरे गले से आ जाता था कोमल निषाद लेकिन फिर गुरु जी कहते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए शुद्ध निषाद को लेके ही किदार को गाना है या तो ललित आम तौर पर लोग कोमल धैवत का ललित गाते हैं हमारे यहाँ ज्यादा करके मतलब नाइन्टी नाइन इस परंपरा में शुद्ध धैवत का ललित है शुद्ध दैवत का ललित गाते इतना अभी गले में बैठ गया है कि कोमल दैवत का ललित अलग लगता है जो गजल में है या फिल्म सॉन्ग में है वो तो है बिल्कुल लेकिन आम तौर पर लोग आमिर खान साहब का भी जो ललित है वंडरफुल प्रेजेंटेशन ऑफ तो लैंडमार्क मतलब एक लेकिन उसमें भी कोमल दैवत है तो ये सब बातें आ जाती है उसमें सुना हुआ संगीत सीखा हुआ संगीत इसमें <laughs> अब मैं थोड़ा बदमाशी वाला एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे अगर आप मुझे डांटेंगे नहीं भिल्कुल, तो बिल्कुल नहीं ना अमूमन अमूमन पिता और गुरु का एक होना बहुत बार सुना है कई बार सुना है जैसे जसराज जी का था कि पिताजी बहुत कम उम्र में चले गए तो बड़े भाई चाचा जी ने सिखाया बहुत सारे कलाकारों का ऐसा रिलेशन रहा है लेकिन पत्नी से संगीत सीखना और गुरु मानना उनको ये ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या बिल्कुल सामान्य सी बात है जैसे पिता गुरु हो सकते हैं वैसे पत्नी भी गुरु हो सकती है नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड बात जरूर है लेकिन इस कॉम्प्लिकेशंस के बाहर जाके इसको स्वीकारना इसके लिए संगीत के बाहर का जो वातावरण है उससे परिचित होना उससे वाकिफ होना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं सिर्फ संगीत का इन्फ्लुएंस लेके मेरे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा हूं मेरा संबंध समाजवादी आंदोलन से रहा है समाजवादी आंदोलन जिसमें डॉक्टर लोहिया मधुलीमय जी ये सब मेरे मतलब इनके विचारों से मैं प्रभावित हुआ हूं जॉर्ज फर्नांडिस और ये भी बताने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब इंदिरा जी ने न इमरजेंसी लागू की थी तब पंद्रह महीने जेल में रहने का सौभाग्य भी मुझे मिला है तो तब तो मैं संगीत सीखता नहीं था अगर सीखता सीखा होता तो वहां बैठ के रियाय भी कर लेता <laughs> लेकिन तब तो मैं नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक सुनता था हमारे ट्रांजिस्टर रेडियो पर और कुछ नहीं होता था तो इसीलिए मुझे स्त्री पुरुष समानता इस विषय में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी मैं उस उस पे मेरा विश्वास था मैं मानता था इस उसूल को इस मूल्य को तो इसलिए मुझे इस कॉम्प्लिकेशन के बाहर जाने के लिए कोई अड़चन नहीं आई थी मेरे लिए तो कभी डांट पड़ी गुरु से बिल्कुल पड़ती है अभी भी पड़ सकती है क्यों नहीं बिल्कुल <laughs> सही बात आपने कही और आ... ये बहुत सवाल मेरे पूछने का मकसद भी यही था कि गुरु पहले हैं जब जैसे जिनके जिन्होंने अपने पिता से सीखा है वो लोग भी बहुत खुल के इस बात को स्वीकार करते हैं कि सिखाते वक्त वो पिता नहीं होते थे सिखाते वक्त वो खालिज गुरु होते थे और डांट भी पड़ती थी कभी कदार थप्पड़ भी पड़ता था सिर्फ अगर रियाज नहीं किया या कुछ गलती कर दी तो तो आप संगीत सीख रहे हैं और संगीत एक ऐसे व्यक्ति से सीख रहे हैं जो आपसे कहीं ज्यादा गुणी और पारंगत है फिर वो चाहे आपके पिता हो चाहे आपकी पत्नी हो और कोई भी हो अगर अगर आपको बड़े उम्र में संगीत सीखने का शौक चढ़ा और आपके बच्चे को संगीत आता है अच्छा तो आप उससे भी संगीत सीखें सीखने में कोई बुराई है भी नहीं आप कार्यक्रमों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ आपके वो भी जरा बताइए क्योंकि पृष्ठभूमि जैसे आपने बताई कि राजनीतिक विचारधारा से भी प्रभावित रहे इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए वहां भी बैठ के संगीत ही सुनना शुरू किया इन सब के बीच स्टेज पर बैठकर और पांच सौ हजार लोगों के बीच में गायकी करना शास्त्रीय गायन वो अपने आप में बिल्कुल अलग एक दुनिया है अलग एक अनुभव है वो अनुभव कैसे शुरू हुआ जरा बताइए इसमें इसका एक सरल कारण यह है कि जब रियाज शुरू होता है और अगर लगता है कि अरे ये बात तो पहले अपने गले से नहीं निकलती थी अब निकलने लगी है तो फिर जिसको एम्बिशन कहते हैं वो बढ़ना बढ़ना शुरू होता है रे थोड़ा करके दिखाओ थोड़ा करके देखेंगे। देखते हैं क्या इसका प्रभाव पड़ता है क्या इसका इम्पैक्ट होता है तो ये सब अंदर एक प्रोसेस है जिस प्रक्रिया से अपने को मतलब प्रेजेंट करना या परफॉर्म करना ये इच्छा पैदा हो जाती है और यहाँ एक संस्था थी शिवानंद पाटिल करके जो अच्छे एक गायक थे अब वो जल्दी उनका देहांत हुआ तो उनकी एक संस्था योजना प्रतिष्ठान करके उन्होंने एक बार एक आ, ऐसे कार्यक्रम जमाया था उन्होंने कुछ तब मैंने मेरा लिखना शुरू हुआ था संगीत पर पहले तो मैं अन्य विषयों पर लिखता था लेकिन संगीत पर आ, वर्तमान मतलब अखबारों में मैं लिखता नहीं था मैंने संडे ऑब्जर्वर और टाइम्स ऑफ इंडिया इन सब अखबारों में मेरा लिखना शुरू हुआ था कॉलम तो उन्होंने ऐसी पहल की थी कि कुछ म्यूजिक पर लिखने वाले जो लोग हैं उनको गाने के लिए बुलाया जाए तो उससे तो बहुत कंट्रोवर्सी बन गई कुछ पुराने जो बुजुर्ग संगीत पर लिखने वाले मोहन नारकर्णी जैसे जो लोग थे और पंडित मदनलाल व्यास तो उन लोगों को तो बहुत ही ये आ, एक शरारत लगी उनको लगा कि ये अप, अपने को एक्सपोज करने के लिए कुछ चाल चली है किसी ने तो मैंने कहा उसपे क्या है अगर गाना आता है या गाने गाना सीख रहे हैं तो गाना प्रेजेंट करेंगे तो वो प्रोग्राम हो गया उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे उसमें मैं पहली बार स्टेज पर जाके पब्लिकली गाया मैं भीम पलासी गाया था अब तो बड़ी बेरभ और उसका अच्छा स्वागत हुआ फिर उसके बाद ऐसे लगा कि अगर एक परफॉर्मिंग आर्ट हम सीख रहे हैं अगर एक परफॉर्मिंग आर्ट के लिए हम मतलब रियाज करके कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो परफॉर्म नहीं करना ये गलत बात है इसलिए वो परफॉर्म करने के लिए जो कुछ करना है वो करना चाहिए तो इसलिए मैंने परफॉर्मेंस की ओर ध्यान देना शुरू किया एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूंगा चूंकि आप बहुत ही अः साफ गोई से सारी बातें अभी तक हम लोग कर रहे हैं अब दो तीन चीजें हैं एक परिवार में संगीत की कोई किसी पृष्ठभूमि का ना होना दूसरा संगीत सीखने की जो शुरुआत है जो विधिवत तालीम है वो भी बहुत देर से करना अमूमन ये मेरा नितांत व्यक्तिगत राय है हो सकता है आप इससे ना भी सहमत हो संगीत जगत में एक बहुत बड़ी बिरादरी है जो ऐसे कलाकारों को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती अगर आपने पता नहीं आप इससे दो चार हुए या नहीं हुए ये जो घराने का वो है ना कि फला घराना ढिकाना घराना हमारे घराने में हम तो पचास पीढ़ी से गा रहे हैं तीस पीढ़ी से गा रहे हैं दस पीढ़ी से गा रहे हैं सात पीढ़ी से गा रहे हैं ऐसे में एक नए कलाकार का आना और उसकी गायकी की शुरुआत का भी एक, एक ईगो जैसा शब्द आपने इस्तेमाल किया कि अहंकार नहीं मुझे सीखना है मैं क्यों ना सीखूं मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहूं अगर मैंने इतना सुना है तो उस दौर के जो कलाकार थे प्रश्न मेरा यही है कि उस दौर के जो कलाकार थे संगीत जगत के वो चाहे आपके आसपास के रहे हों या बाकी देश के और दूसरे हिस्सों के कलाकार रहे हों जब उन्होंने आपने स्टेज पर अपने कार्यक्रमों का शुरुआत हुआ आपके सिलसिला शुरू हुआ उन्होंने कैसे लिया उनका फीडबैक क्या था उनका रिएक्शन क्या था क्या उन्होंने गंभीरता से आपके गायन को लिया या उनको लगा कि नहीं ये लिखते हैं सीख भी लिया है इसलिए शायद दो चार कार्यक्रम करेंगे और चले जाएंगे ऐसा कुछ लगा क्या लोगों को ऐसा भी शुरुआत में लगा था लेकिन मैंने डट के जो कुछ मेरा जो कुछ मैंने साधना करने की मेरी इच्छा थी और मेरा प्रयास रहा तो उसको देखते हुए फिर लोगों ने मुझे भी गंभीरता से लेना शुरू किया और मुझे यहाँ कुछ लोगों का यहां जिक्र करना मैं जरूरी मानता हूं जिस जिन लोगों ने मुझे इस मामले में आशीर्वाद दिया उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान सितार रिजार्ट फिर नित्यानंद जी हल्दीपुर बासुरी वादक फिर आ, प्रभा अत्रे जी डॉक्टर प्रभा अत्रे जी उन्होंने भी मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया उन्होंने ये कहा कि कुछ अच्छी तरह से मेहनत करके कुछ आपने हासिल किया है और मैं चाहती हूं कि आप और मेहनत करें और आप आगे और आगे जाए फिर बुधादित्य मुखर्जी सितार प्लेयर उन्होंने भी बहुत सराहा जो कुछ मैंने दो तीन बार एक मुझे बहुत याद आता है कि कलकत्ते में मेरे प्रोग्राम थे दो तीन दिन बुधादित्य उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ है आपके प्रोग्राम तो एक जगह था और फिर दूसरे दिन दूसरी जगह था तो दोनों प्रोग्राम में वो हाजिर हुए और बहुत ही गंभीरता से जो कुछ मैंने गाया उसको सुना अभी मुझे बुधादित्य जी तो मुझे जानते हैं और बाकी कलकत्ता के कुछ लोग मुझे मैंने जब गाया प्रेजेंट किया तो लोग लो पूछते आपने तो क्या आप तो बचपन से सीखे होगे गाना और आपके घर में ही गाना होगा तो ये सब सुन के मुझे हंसी आती थी इसलिए हंसी आती थी कि ठीक है बचपन से जो सीखता है बचपन से जो गाता है वो अच्छा ही गाएगा क्यों नहीं गाएगा लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बचपन से गाना सीखो या संगीतकार के घर में पैदाइश हो और फिर संगीत की दुनिया में आप प्रवेश करो <laughs> बिल्कुल और कुमार जी तो मतलब बाद के दिनों में बड़े डंके की चोट पर ये बात कहते थे कि मैं घराने की कुलीगिरी नहीं करता हूं मतलब और अब तो अब तो सर अगर आप देखिए तो जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड है सब कुछ YouTube पर है आज आप बनारस घराने का कुछ जानना चाहें या पटियाला घराने का कुछ जानना चाहें तो उसके लिए आपको ना तो पटियाला घराने के गुरु को खोजने की जरूरत है ना बनारस घराने के गुरु को खोजने की जरूरत है आपकी गायकी है ही है आप सिर्फ वहां से जाकर सुने और आपको समझ में आ जाती है चीजें खैर मैं अब आता हूं आपके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू पर और वो पहलू है बतौर लेखक जो आपका योगदान है आ, और लंबा समय जैसा अभी आपने बताया कि आप शुरुआत में लिखते ही थे संगीत पर संगीत सीखने के बाद जब आपने संगीत पर लिखना शुरू किया तब क्या लगा कि अधिकार और ज्यादा बढ़ गया है बिल्कुल क्योंकि इस इस मामले में मैं डॉक्टर का बिल्कुल उनका जिक्र करूंगा इसलिए कि उनका यह हमेशा कहना था कि संगीत पर लिखना मतलब आपका लिटररी स्किल क्या है उसका आप प्रदर्शन करो अपने राइटिंग में वो जरूरी नहीं है संगीत इज अ परफॉर्मिंग आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट पर जो लिख, लिख रहा है या लिखने की कोशिश कर रहा है उसको परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर क्या होता है कैसे परफॉर्मिंग आर्ट मतलब सीखी जाती है प्रेजेंट की जाती है उसके जो कुछ अंदर के जो अलग अलग स्तर है उससे परिचित होना बहुत जरूरी है जैसे नाटक पर आप लिखोगे तो अभिनय क्या है स्टेज आ, स्टेज सेटिंग क्या है फिर रंगभूषा क्या है इन सब मामलों को आप नहीं जानोगे तो फिर नाटक पढ़ के आप लिख सकते हो क्या नाटक अच्छा है या बुरा है या स्टोरी लाइन लिख के तो दैट इज नॉट क्रिटिसिज्म ऑफ ड्रामा वैसे ही संगीत के बारे में जब आप अंदर जाओगे और सीखोगे और कुछ उसकी जो बारीकिया आपको समझ में आएगी सीखने के बाद वो तभी आपको कुछ अधिकार होता है उस पर लिखने का तो ये मैंने बात पक्की आ, समझ ली थी और उसको मैंने माना था तो इसीलिए सीखने के बाद शुरू किया लिखना और सबसे पहले मैंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था उसके बाद मराठी में भी शुरू किया था और बहुत सालों तक लिखा मोर देन फोर्टी ईयर्स और कुछ मतलब ये भी मुझे कहने में बड़ा अभिमान लगता है कि ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया जो स्टैनले बुलपर्ट अमेरिका में बड़े अच्छे स्कॉलर है उन्होंने किया बनाया था तो उसमें हमारे कुछ संगीतकारों पर एंट्रीज उन्होंने लिखने के लिए मुझे कहा था तो वो मैंने लिखी थी और वो बाकायदा किया है सर अमेरिका में तो फिर संगीत नाटक अकेडमी के लिए भी कुछ जर्नल के लिए भी लिखा हूं और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो दादा साहेब फालके अवार्ड जिन फिल्म वालों को दिया है तो उसके ऊपर एक ग्रंथ उनका आ रहा है है तो उसमें दो संगीतकारों को मिला है। एक लता जी, लता जी मंगेशकर और नौशाद जी तो उनके ऊपर भी बड़े बड़े एक लेख लिखने के लिए मुझे कहा गया था तो वो भी मैंने लिखे हैं और वो अभी बाकायदा उसका रिलीज होगा अगले दादा साहब फालके अवार्ड सेरेमनी के जमा टाइम पर तो ये सब मेरा लिखना शुरू ही है और लिखने में मतलब जितना सुना है क्योंकि अलग अलग लोगों को सुना है अलग घरानों को सुना है इसलिए वो जो संस्कार है उन संस्कारों का अगर अपने लिखने से जो साधारण श्रोता है उसको फायदा होने वाला है तो मुझे उसमें बहुत आनंद आता है मेरा आखिरी प्रश्न भी यही था इस इंटरव्यू का कि आपका जो फिल्म संगीत को लेकर काम है उस पर बातचीत की जाए और उस पर बातचीत इस हवाले से की जाए कि कई बार लोग फिल्म संगीत को बहुत ही दोयम दर्जे का बता के खारिज करने का प्रयास करते हैं कह रहे क्या है बेकार होता है इसमें क्या है ये तो बस ये है ये तो बस वो है लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप फिल्मी संगीत के कंस्ट्रक्ट को देखें पांच मिनट में छह मिनट में आपको और और अच्छे खासे राग आधारित गाने हैं हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में तो लता जी का आपने नाम लिया नौशाद साहब का नाम लिया इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शास्त्रीय मतलब ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने अपने फिल्मी गानों में भी शास्त्रीय संगीत की महक को बरकरार रखा आप किस तरह से देखते हैं फिल्म संगीत को मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि ये बहुत ही ऊंचे स्तर का संगीत है और एक जिसको जनप्रिय संगीत कहा जाता है संगीत की एक कैटेगरी है वो संगीत के अलग अलग विधाये है एक तो हमारा आर्ट म्यूजिक कला संगीत है फिर लोक संगीत है भक्ति संगीत है डिवोशनल दि, म्यूजिक जैसे और ट्राइबल म्यूजिक है वैसे ही पॉपुलर म्यूजिक इज अ कैटेगरी जनप्रिय संगीत और इस जनप्रिय संगीत का मेरी कोशिश ये रही है कि ये जनप्रिय संगीत उसकी जड़े हमारे आर्ट म्यूजिक में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं और वो अलग अलग उसको मैं अपने प्रोग्राम के द्वारे हम मैं उसको लोगों के सामने रखता हूं और उसका लोगों को बहुत ही आनंद आता है उसमें लोगों को और जो लोग रागदारी सुनने के लिए नहीं जाते क्योंकि उनको बहुत कठिन लगता है तो उनको जब ये पता चलता है कि अरे फलाने गाने का ये जो बेस है तो उसमें ये राग है इस राग की छाया है तो उससे उनको बहुत आनंद आता है एक आपको उदाहरण बताता हूं मैं आपको जस्ट न गौर सारंग है ये नौ सारंग मुझे कहा मतलब मैंने देखा उसको गौरे अभी जो एक पुराना गीत है बहुत ही लोकप्रिय गीत था मांग के साथ तुम्हारा मैंने लिया संसार तो ये गौर सारे तो और क्या है बड़े ही सुरीले मोड़ पर आपने इस इंटरव्यू को और अपनी बात को खत्म किया अमरिंदर जी आपने हमारे लिए समय निकाला आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपका लेखन और आपका गायन यूं ही चलता रहे और सशक्त होता रहे बहुत ही विनम्रता से आपको धन्यवाद देता हूं और एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का कि आपने आपने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला शुक्रिया नमस्कार माध्यम से आपके साथ और आपके श्रोताओं के साथ बातचीत करने का अवसर मुझे मिल गया मुझे बहुत आनंद आया धन्यवाद